नुकसान कर दिया महिलाओं के लिए, ये तो खराब कर रहे हैं। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी नई नीति लाने की, क्या जरूरत थी? अब तो पंजाब पंजाब में भी 1000 रुपए पर महीना दे रहे हैं, वो गलत है। वो अपनी हमें मोहल्ला क्लिनिक देने का वायदा करके सत्ता में आए थे, कॉलेज स्कूल बनाने का वायदा करके सत्ता में आए थे, ना कि हर गली में हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोलने के लिए। कारी है वो इसलिए लग जाती है कि गली गली ठेके खुलवा रहा है, और आप सब समझ सकते हैं कि गली के में जब ठेके खुलते हैं, रोड पर ठेके खुलते हैं, तो वहाँ पर किस तरह के लोग घूमते हैं, किस तरह के असामाजिक तत्व उसके आसपास रहते हैं। अभी जानकारी में आए थे महिलाओं के लिए भी विशेषकर ठेके खोलने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ महिलाओं का हमारे देश के अंदर कब इन्होंने महिलाओं को शराब के ठेके पर, अरे ये शराब के ठेके खुले हैं, उनके ही भाई भी घर में कलेश करेंगे, तो फायदा क्या है इसका? इसलिए शराब के ठेके खुले नहीं देंगे, पापा पियेंगे, घर में बीवी को बहनों को मारेंगे पीटेंगे, तो ज्यादा खुशी होगी इस चीज से। जरा ये बताइए आप लोग, सारे बर्बाद हो जाएंगे, पति जो उनके दिन कमा कर लाएंगे वो सारा साथ शराबों में सब ठोक देंगे, फिर घर की हालत खराब हो जाएगी।